अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान। अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज का लेक्चर एक मेडिसिन के हवाले से है। मैं जिस मेडिसिन के हवाले से बात करने जा रही हूँ, इसे हम एल सीरम के नाम से जानते हैं। इसका कंप्लीट नेम सीरम एंगुलर एक्थायोटॉक्सिन है। मज़ीद आगे बयान करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि इसे एल सीरम क्यों कहा जाता है। ये एल फिश से तैयार की जाती है और इट्स अ बिग रेमेडी फॉर किडनीज़। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये ज़ाया होते हुए किडनीज़ को ठीक कर देती है तो ये गलत नहीं होगा। सुअर किस्म की किडनी इन्फेक्शंस में हम एल सीरम को यूज़ करवाते हैं। याद रखिए, अगर किडनी फेलियर की वजह से यूरिन रिटेंशन हो जाए तो याद रखें कि ये मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त है। एल सीरम के हवाले से आपको ये बताती चलूँ कि इसका ताल्लुक दिल के साथ डायरेक्टली तो नहीं, मगर इसकी वजह से अगर गुर्दे ख़राब हो जाएं तो आप ज़रूर यूज़ करवाइए। अब बात कर लेते हैं इसके एक्शन के हवाले से। तो ये किडनीज़, लिवर और हार्ट पे बहुत अच्छा असर रखती है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात याद रखें कि जब हम एल सीरम को यूज़ करवाएँगे तो गुर्दे किसी इन्फेक्शन या टॉक्सिकेशन की वजह से, या यूं कह लीजिए कि सर्दी के बुरे असरात से मुतासिर हो गए हों, तो ये उन्हें ठीक कर देती है। याद रखिए कि हाइपरटेंशन के साथ अगर ओलिगो यूरिया हो तो भी एल सीरम को यूज़ करवाइए। इट हैज़ ग्रेट एफिकेसी फॉर कार्डियक यूरेमिया। स्पेशली इस मेडिसिन को नेफ्राइटिस में दिया जाता है। ये एक्यूट हीमायूरिया को भी ठीक करती है और यूरिन में अगर एल्ब्यूमिन आ रही हो तो उसको भी नॉर्मल कर देती है। यहाँ ये बात काबिले ज़िक्र है कि ये फंक्शनल हार्ट डिजीज़ में अहम तरीन है। मिट्रल इंसफिशेंसी में हम इसे यूज़ करवाते हैं। ये हार्ट वाल्व की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा एसिस्टोलिया में इसे यूज़ करवाया जाता है, और स्पेशली जब ये विदाउट एडिमा हो। एल सीरम न सिर्फ जिगर, गुर्दे और दिल के लिए यूज़ करवाई जाती है, बल्कि ये यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन को भी यूज़ करवा नॉर्मल करती है अगर ये हद से ज़्यादा बढ़ गए हों। कार्डिक एस्मा की बहुत अच्छी मेडिसन है। लीवर फेलियर के लिए भी यूज़ करवाई जाती है। और याद रखिए कि दिल के मरीज़ का अगर अचानक गुर्दों की तकलीफ़ में मुबतला हो जाना आप देखें तो ज़रूर यूज़ करवाएँ। और यहाँ एक चीज़ और मेंशन करती चलूँ कि अगर किडनीज़ में ये प्रॉब्लम हो गई है कि वो फेलियर की तरफ जा रहे हैं लेकिन उसके साथ एडिमेटिक कंडीशन नहीं है, तो एक्यूरेटली आपकी मेडिसिन एल सीरम है, आपको एल सीरम यूज़ करवाना है। लेक्सिस इसकी हेल्पिंग मेडिसिन है। उसे 1x, 3x और 30 में यूज़ करवाया जाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।